दोस्तों, अगर आप समंता रुद्र प्रभु की मस्ट वेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यशोदा एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो हरि हरीश द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें उन्नी मुकुंदम, वर लक्ष्मी शरत कुमार और मुरली शर्मा के साथ समंता मुख्य भूमिका में है। मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई। फिल्म का स्कोर मनी शर्मा द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमाटोग्राफी और संपादन क्रमश एम सुकुमार और मार्थट के डॉट वेंकटेश द्वारा संभाला गया था। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही। जोमैटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले अत्याधुनिक सरोगेट केंद्र युवा में ले जाया गया। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। इसी बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उसकी प्रेमिका आरुषी की दुर्घटना की जांच करती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव आईपीएस की को नियुक्त किया। उसे पता चला कि आरुषी एक मॉडल थी और वह उसके ईमेल, मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करता है। उसे पता चला कि आरुषी को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार न करने की सलाह दी थी, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होता है जो वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात हो है। वासुदेव और उनकी टीम आरुषी के दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करती है और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री अलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं, जिसकी मौत नशीला जून पीने से होती थी। जब वह कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास है पेटेंट। अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना है पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपने टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है, क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई। उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है, लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है, जहां वह साथी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है संकाय। वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन
यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में, मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले। फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है। फिर वह युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला धरा पकड़ ली जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित किए करके उनकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। भ्रूण में प्लाज्मा व गुप्त घटक है, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CIO और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मांद में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम धारा उसे खटखटाया जाता है, जो उसे वापस लाता है। और गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ा रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, यह पता चला कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है, जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है, और उसे पता चलता है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक सरोगेट माँ बन गई थी और उसे युवा के पास ले जाया गया था उसे ढूंढने के लिए। यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और शुरू से ही
सब कुछ योजना बनाई। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों को और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण भी बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गई और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती है। बाद में गिरिधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यशोदा के रूप में समंता, डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी सावत कुमार मधुबाला के रूप में राव रमेश, केंद्रीय मंत्री गिरिधर के रूप में पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा, वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज, राजीव कुमार अनजान विदेश मंत्री बने, शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में, वामसी के रूप में मणिकांत दुनाका, पुलिस निरीक्षण विशेष टीम, केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरिया, दिव्य श्रीपदा लीला के रूप में तेजू के रूप में कल्पिका गणेश, काजल के रूप में प्रियंका शर्मा, वृंदा के रूप में प्रीति असरानी। यशोदा इज़ इन 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन डायरेक्टेड बाय हरी हरीश। इट स्टार्स समंता इन द टाइटुलर रोल अलॉन्ग साइड उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी शरत कुमार, मुरली शर्मा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस्ड इन December 2021, एंडेड इन July 2022। द फिल्म स्कोर वॉज कम्पोज बाय मनी शर्मा, वाइल द सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वेर हैंडल्ड बाय एम सुकुमार एंड मार्थांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 11th November 2022। यशोदा रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट वॉज अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। यशोदा हु वर्क्स इन जोमैटो बिकम अ सरोगेट मदर एज शी नीड्स टू फंड हर सिस्टर सर्जरी। शी इज टेकन टू एवा, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सरोगेंसी सेंटर ओन्ड बाई डॉक्टर मधुबाला। यशोदा बिफ्रेंड्स सम ऑफ द सरोगेट मदर एंड स्पेंड टाइम विद देम। ऑल ऑफ देम फाइंड आउट द ईच ऑफ देम इज पुअर एंड इन नीड ऑफ मनी। Meanwhile, the local police investigate the accident of business tycoon Shiva Reddy and his girlfriend Arushi. They deduce that it was a pre-planned murder, and the police appoint Vasudev, IPS, to lead the investigation. He learns that Arushi was a model and checks her emails, mails, and text messages. He learns that Arushi was advised by her friend not to promote a specific cosmetic brand as it contains a harmful chemical that are unknown to scientist Vasudev, and his team head to meet Arushi's friend but find that he was murdered 2 days ago. Vasudev retrieves a cosmetic sample from his house and finds a connection with the death of Olivia and a deceased Hollywood actress who was killed when she drank a drugged juice. When he checks into the owner of the cosmetic brand, he finds that the central minister Giridhar owned the patent. After an attack by unknown means,
Vasudev launched that 122 model will be arriving in India in 6 months. He launched that one model, Elena, has already arrived. Vasudev, along with his team and police commissioner Balram, follow her to a forest, but they are caught to be the local tribals. Yashoda becomes suspicious of Eva, and she finds that her friend Kajal and Leela went missing after suffering from labor pains and undergoing surgery. To her shock, she learns that Eva is not situated in the city, but was actually shown to the surrogate mother using a live projector. Yashoda later sneaks into John's tomb, where she finds with Jenny, a fellow surrogate who is faking a pregnancy and is a member of the Eva faculty. She tries to kill Yashoda, but Yashoda manages to kill her. Afterward, Yashoda finds many boxes containing dead children and surrogate mother in the search rooms, in which she finds Kajal and Leela's body and that of Leela's child. Yashoda in the couch by the security guard under the command of a Madhubala. When the security guard tries to rape her, she finds against him and kills him too. She then tries to enter Madhubala's cabin using Dr. Gautam's badge to find out more about Eva, but is caught by Madhubala. Madhubala reveals that she was suffering from a disease which resulted in her losing her beauty and causing aging. But Gautam helped her by developing a drug that cured her illness. However, the drug is only a temporary solution, with its effects lasting only 6 months. Giridhar, who turns out to be Madhubala's husband, tells her to invent a new drug by funding her research. Cut to the present. Madhubala and Gautam hold a meeting with their investors while showing the live footage of the meeting to Yashoda, who is being held captive in a separate room. The duo reveals that the plasma in the fetus is the secret ingredient used for the invention of the drug, and they hire poor women to become surrogate mothers by paying them. After making them pregnant, inducing fake labor pains, and performing C-section, they remove the fetus, discreetly kill the woman, and retrieve the plasma. They finally created the drug and sold it to rich women, mostly models, CEOs, and actresses. They also revealed that Olivia had died due to the drug-drug interaction. They had Arushi and Shiva Reddy killed in the accident, as she learned that the cosmetic brand also contained the same drug and threatened them of leaking it. In the forest, Vasudev and his team learned that Balram is in cahoots with Madhubala and Gautam. Vasudev and his team are brought to a den to have them killed. At Eva, Yashoda finds that the facility is situated in a forest and manages to escape through the emergency exit, but is knocked by the Gautam, who bring her back. Gautam makes a video call to Balram, who is holding Vasudev and his team at a gunpoint. However, Gautam is held at gunpoint by Yashoda. It is revealed that the Yashoda is actually a skilled IPS trainee undercover at Eva. Despite being the academy topper, she was forced to arrange money to join the police force. One day, Yashoda learns about her sister Brinda's disappearance and finds that she had become a surrogate mother to arrange the money for her and was taken to Eva in order to find her. Yashoda became a surrogate mother and planned everything from the start. A fight ensues where Yashoda defeats the goons and Gautam, but gets hit in the stomach, resulting in the death of her unborn baby. Meanwhile, Vasudev and his team defeat the tribals and kills Balram. Yashoda meets up with her fellow surrogates and asks about Brinda, but doesn't get any information about her. Madhubala tries to escape in a helicopter, but Yashoda manages to stop her. Madhubala reveals that she was also pregnant, but sacrificed her fetus by aborting it to improve and develop her beauty and the research. The woman get enraged upon
लर्निंग अबाउट मधुबाला ट्रू फेस एंड हर एक्टिविटीज एंड पुश हर ऑफ द क्लिफ किलिंग हर गौतम स्टार्स टू एस्केप बट गेट काउट बाय वसुदेव इन हिज टीम यशोदा फाइंड्स ब्रिंदा हु इज अ लेबर पेन द वुमेन असिस्ट यशोदा इन डिलीवरिंग ब्रिंदा साइल आफ्टर वाथ गिरिधर्स इन्वॉल्वमेंट टू इन द स्कैंडल इज एक्सपोज एंड ही इज अरेस्टेड समंता एज यशोदा उन्नी मुकुंदम एज डॉक्टर गौतम वरलक्ष्मी शरद कुमार एज मधुबाला राव रमेश एज सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर मुरली शर्मा एज पुलिस कमिश्नर बलराम संपत राज एज वसुदेव IPS राजीव कुमार अनिजा एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शत्रु एज पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऋषि IPS मणिकांत दुनाका एज वामसी पुलिस इंस्पेक्टर स्पेशल टीम मधुरिका एज केयर टेकर सुधर्मा दिव्या श्रीपाड़ा एज लीला कल्पिका गणेश एज तेजू प्रियंका शर्मा एज काजल प्रीति असरानी एज बृंदा क्रमश एम सुकुमार और मार्तट के वेंकटेश द्वारा छायांकन और संपादन के साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया। CGI कार्य को और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुई। यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 घोषित की गई, जहां फिल्म तमिल हिंदी कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। फिल्म ने रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। फिल्म का प्रीमियर 9 दिसंबर 2022 को तमिल हिंदी कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियर 5 फरवरी 2023 को ETV पर टेलीविज़न पर किया गया था। यशोदा को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से परे कुछ तलाश रहे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता यशोदा में शानदार है, जो अपने चौंकाने वाले मोड और मोड को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा, फिल्म का ग्राइड हाउस ट्रीटमेंट समंता के प्रदर्शकों के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार रोमांचक कहानी में डबदिल नहीं होता है। द हिंदी की संगीता रंडू ने लिखा, लेकिन अगर गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है। पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, मॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदम इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा, प्रोडक्शन डिजाइन विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे की
जननी के निकेत ने लिखा, यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे यह आपके समय के लायक हो जाती है। इंडियन हेराल्ड के एक आलोचक ने फिल्म को लिखा, कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समानता अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। एक्ट्रेस समंता साइनी तेलुगु तमिल बेलिंगल फिल्म इन अक्टूबर 2021, डायरेक्टेड बाय द डुओ हरिशंकरन हरीश नारायण अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द श्रीदेवी मूवीज। द फिल्म्स टाइटल वाज अनाउंस्ड एज यशोदा इन December 2021 आफ्टर डिस्कसिंग विथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सेंथिल। द फिल्म वाज मेड ओनली इन तेलुगु विथ सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग बाय एम सुकुमार एंड मोरथांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन December 2021 आफ्टर शूटिंग फॉर 100 days। फिल्मिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई July 2022 एक्सेप्ट फॉर द वन सॉन्ग। CGI वर्क एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बिगेन सबसेक्वेंटली। यशोदा वॉज इनिशियली शेड्यूल टू रिलीज ऑन 12 August 2022 कोइंसिडिंग विथ इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू डिलेज इन फिल्मिंग ऑन 17 October 2022। द न्यू रिलीज डेट वॉज अनाउंस्ड एज 11 November 2022 वेयर द फिल्म विल बी रिलीज इन तेलुगु इन एडिशन टू डब्ड वर्जन ऑफ तमिल हिंदी कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज। द फिल्म मेड अ प्री रिलीज बिजनेस ऑफ 55 crore including theatrical digital streaming rights which were sold at a cost of 11.50 crore and 20 crore respectively. The film was premiered on Amazon Prime Video on 9 December 2022 and Telugu along with dubbed versions of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam languages. The Telugu version was premiered on television on 5 February 2023 on ETV. Yashoda received mixed to positive reviews from critics and audiences. Nishita Nayapati of the Times of India rated the film 3.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda is the film to catch this weekend if you are looking for something beyond the usual masala fare or love stories. Priyanka Sundar of First Post rated the film 2.75 out of 5 stars and wrote, Samantha is a brilliant in Yashoda that falters ineffectively, landing its shocking twist and turns. Manoj Kumar R of the Indian Express rated the film 2 out of 5 and wrote, film's greenhouse treatment negates the impact of Samantha's performance, which has a lot of conviction. Soumya Rajendran of the News Minute rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda has quit a few loose ends as it drawn to a close, leaving the viewer dissatisfied. Sudhir Srinivasan of Cinema Express rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, fascinating idea don't translate into exciting storytelling in the Samantha lead action. Or Sangeeta Dundu of the Hindu wrote, but despite the missteps, it manages to be engaging. Arvind V of Pink Villa rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Mollywood actor Unni Mukundam is likely to become a shout after name in Telugu cinema after this. Hari Charan Pudipeddi of Hindustan Times wrote, the production design deserves a special mention since most of the story unfolds inside a large facility and the set work is commendable. Janani K of India Today wrote, Yashoda could have been much better had the director due concentrated on not stating the obvious. Srishti Negi of News 18 gave 3 out of 5 stars and wrote, Yashoda requires patience and attention once you get through the first post. First half, the film holds your complete attention, making it worthy of your time. A critic for India Herald wrote,
ओवरऑल द मूवी इज एट मस्ट मेरी केयर. समंथा डिस्टिंग्विशेस आउट बिकॉज शी एफोर्टलेसली हैंडल अ डुओ सेडर कैरेक्टर एक्सीलेंट प्रोड्यूस प्रोडक्शंस वैल्यूज. द अदर का चला कि आरुषी एक मॉडल थी और वह उसके ईमेल मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करता है. उसे पता चला कि आरुषी को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार न करने की सलाह दी थी क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होता है जो वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है. वासुदेव और उनकी टीम आरुषी के दोस्त से मिलने जाती है लेकिन पता चलता है कि दो दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी. वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करती है और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री अलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं जिसकी मौत नासिला जून पीने से होती थी. जब नशीला जूस पीने से होती थी जब वह कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास है पेटेंट. अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे. उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना है पहले ही आ चुकी है. वासुदेव अपने टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है. यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई. उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सोरोगेट माताओं को दिखाया गया था. बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है जहां वह साथी सोरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है शंकाय. वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है. इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले. फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है. जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है. फिर वह ईवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला धरा पकड़ ली जाती है. मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी लेकिन गौतम ने एक दावा विकसित किए करके उनकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई. हालांकि यह दावा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है. गिरिधर जो मधुबाला का पति है उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दावा का आविष्कार करने के लिए कहता है. वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है. भ्रूण में
प्लाज्मा वह गुप्त घटक है जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मांद में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम द्वारा उसे खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है। और गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ा रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, यह पता चला कि है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक सरोगेट माँ बन गई थी और उसे युवा के पास ले जाया गया था। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ यशोदा गुंडों को और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसके अजन्मे बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण भी बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गई और उसे चट्टान से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती है। बाद में गिरिधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यशोदा के रूप में समंथा, डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी सावत कुमार मधुबाला के रूप में राव रमेश, केंद्रीय मंत्री गिरिधर के रूप में पुलिस कमिश्नर
बलराम के रूप में मुरली शर्मा, वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज, राजीव कुमार अनजान विदेश मंत्री बने, शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में, वामसी के रूप में मणिकांत दुनाका, पुलिस निरीक्षण विशेष टीम, केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरिया, दिव्य श्रीपदा लीला के रूप में तेजू के रूप में कल्पिका गणेश, काजल के रूप में प्रियंका शर्मा, वृंदा के रूप में प्रीति असरानी। यशोदा इज़ इन 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन डायरेक्टेड बाय हरी हरीश। इट स्टार्स समंता इन द टाइटुलर रोल अलॉन्ग साइड उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी शरत कुमार, मुरली शर्मा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस्ड इन डिसम्बर 2021 एंडेड इन जुलाई 2022। द फिल्म स्कोर वॉज कम्पोज बाई मनी शर्मा, वाइल द सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वेर हैंडल्ड बाई एम सुकुमार एंड मार्थांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 11th नवंबर 2022। यशोदा रिसीव्ड मिक्सड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट वॉज अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। यशोदा हु वर्क्स इन जोमैटो बिकम अ सरोगेट मदर एज सी नीड्स टू फंड हर सिस्टर्स सर्जरी। सी इज टेकन टू एवा, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सरोगेसी सेंटर ओन्ड बाई डॉक्टर मधुबाला। यशोदा बिफ्रेंड्स सम ऑफ द सरोगेट मदर एंड स्पेंड टाइम विद देम। ऑल ऑफ देम फाइंड आउट द ईच ऑफ देम इज पुअर एंड इन नीड ऑफ मनी। मीनवाइल द लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट ऑफ बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी एंड हिज गर्लफ्रेंड आरुषि। दे डेड्यूस दैट इट वॉज अ प्री प्लैंड मर्डर एंड द पुलिस अपॉइंट वासुदेव आईपीएस टू लीड द इन्वेस्टिगेशन। ही लर्न्स दैट आरुषि वॉज अ मॉडल एंड चेक्स हर ईमेल्स मेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। ही लर्न्स दैट आरुषि वॉज एडवाइज्ड बाई हर फ्रेंड नॉट टू प्रोमोट अ स्पेसिफिक कॉस्मेटिक ब्रांड एज इट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल दैट आर अनोन टू साइंटिस्ट वासुदेव एंड हिज टीम हैड टू मीट आरुषि'स फ्रेंड बट फाइंड दैट ही वॉज मर्डर्ड टू डेज अगो। वासुदेव रिट्रीव्स अ कॉस्मेटिक सैंपल फ्रॉम हिज हाउस एंड फाइंड्स अ कनेक्शन विद द डेट ऑफ ओलिविया एंड अ डिसीज्ड हॉलीवुड एक्ट्रेस हु वाज किल्ड व्हेन शी ड्रैंक अ ड्रग्ड जूस। व्हेन ही चेक्स इनटू द ओनर ऑफ द कॉस्मेटिक ब्रांड ही फाइंड दैट द सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर ओन द पेटेंट। आफ्टर एन अटैक बाई अनोन मीन वासुदेव लर्न्स दैट 122 मॉडल विल बी अराइविंग इन इंडिया इन 6 months। ही लर्न्स दैट वन मॉडल इलीना हैज ऑलरेडी अराइवेड। वासुदेव अलॉन्ग विथ हिज टीम एंड पुलिस कमिश्नर बलराम फॉलो हर टू अ फॉरेस्ट बट दे आर काउट टू बी द लोकल ट्राइबल्स। यशोदा बिकम सस्पिशियस ऑफ एवा एंड शी फाइंड्स दैट हर फ्रेंड काजल एंड लीला वेंट मिसिंग आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लेबर पेन्स एंड अंडर गोइंग सर्जरी। टू अ शॉक शी लर्न्स दैट ही वाज नॉट सिचुएटेड इन द सिटी बट वॉज एक्चुअली शोन टू द सरोगेट मदर यूजिंग ए लाइव प्रोजेक्टर। यशोदा लेटर स्नेक्स इन टू जोन टू वेर शी फाइंड्स विथ जेनी अ फेलो सरोगेट हु इज फेकिंग अ प्रेगनेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ द ईवा फैकल्टी। शी ट्राइज टू किल यशोदा बट यशोदा मैनेजेस टू किल हर। आफ्टरवर्ड यशोदा फाइंड्स मेनी बॉक्सेस कंटेनिंग डेड चिल्ड्रेन एंड सरोगेट मदर इन द सेट्स रूम्स इन विच शी फाइंड्स काजल एंड लीलास बॉडी एंड दैट ऑफ लीलास चाइल्ड। यशोदा इन द काउट बाई द सिक्योरिटी गार्ड अंडर द कमांड ऑफ अ मधुबाला। वेन द सिक्योरिटी गार्ड ट्राइज टू रेप हर शी फाइंड जस्ट हिम एंड किल्स हिम टू। शी देन tries to enter Madhubala's cabin using Dr. Gautam's badge to find out more about Eva but is caught by Madhubala. Madhubala reveals that she was suffering from a disease which resulted in her losing her beauty and causing aging. But Gautam helped her by developing a drug that cured her illness. However, the drug is only a temporary solution with its effects lasting only 6 months. Giridhar, who turns out to be Madhubala's husband, tell her to invent a new drug by funding her research
cut to the present, Madhubala and Gautam hold a meeting with their investors while showing the live footage of the meeting to Yashoda, who is being held captive in a separate room. The duo reveals that the plasma in the fetus is the secret ingredient used for the invasion of the drug, and they hire poor women to become surrogate mothers by paying them after making them pregnant, inducing fake labor pains, and performing C-section. They remove the fetus discreetly, kill the woman, and retrieve the plasma. They finally created the drug and sold it to rich women, mostly models, CEOs, and actresses. They also revealed that Olivia had died due to the drug-drug interaction. They had Arushi and Shiva Reddy killed in the accident, as she learned that the cosmetic brand also contained the same drug and threatened them of leaking it. In the forest, Vasudev and his team learned that Balram is in cahoots with Madhubala and Gautam. Vasudev and his team are brought to a den to have them killed. At Eva, Vasudev finds that the facility is situated in a forest and manages to escape through the emergency exit, but is knocked by the Gautam, who bring her back. Gautam makes a video call to Balaram, who is holding Vasudev and his team at a gunpoint. However, Gautam is torn, is held at gunpoint by Yashoda. It is revealed that the Yashoda is actually a skilled IPS trainee undercover at Eva. Despite being the academy topper, she was forced to arrange money to join the police force. One day, Yashoda learns about her sister Brinda's disappearance and finds that she had become a surrogate mother to arrange the money for her and was taken to Eva in order to find her. Yashoda became a surrogate mother and planned everything from the start. A fight ensues where Yashoda defeats the goons and Gautam, but gets hit in the stomach, resulting in the death of her unborn baby. Meanwhile, Vasudev and his team defeat the tribals and kills Balaram. Yashoda meets up with her fellow surrogates and asks about Brinda, but doesn't get any information about her. Madhubala tries to escape in a helicopter, but Yashoda manages to stop her. Madhubala reveals that she was also pregnant, but sacrificed her fetus by aborting it to improve and develop her beauty, and the research the women get enraged upon learning about Madhubala's true face and her activities, and push her off the cliff, killing her. Gautam tries to escape but get caught by Vasudev and his team. Yashoda finds Brinda, who is a labor pain. The woman assists Yashoda in delivering Brinda's child. Afterward, Giridhar's involvement too in the scandal is exposed and he is arrested. Samantha as Yashoda, Unni Mukundam as Dr. Gautam, Varalakshmi Sarat Kumar as Madhubala, Rao Ramesh as Central Minister Giridhar, Murli Sharma as Police Commissioner Balaram, Sampath Raj as Vasudev IPS, Rajiv Kumar Aneja as External Affairs Minister, Shatru as Police Investigation Officer Rishi IPS, Manikant Dunaka as Vamsi Police Inspector Special Team, Madhurika as Caretaker Sudharma, Divya Sripada as Leela, Kalpika Ganesh as Teju, Priyanka Sharma as Kajal, Preeti Asrani as Brinda. Kramas M. Sukumar or Martyr K. Venkatesh Dara Sayankan or Sampadan ke saath Mukhya Photography December 2021 mein शुरू हुई. 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया. CGI कार्य को और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुई. यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी. फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 घोषित की गई, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के
अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। फिल्म ने रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। फिल्म का प्रीमियर 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियर 5 फरवरी 2023 को ईटीवी पर टेलीविज़न पर किया गया था। यशोदा को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से परे कुछ तलाश रहे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता यशोदा में शानदार है, जो अपने चौंकाने वाले मोड को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा, फिल्म का ग्राइड हाउस ट्रीटमेंट समंता के प्रदर्शकों के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार, रोमांचक कहानी में डबदिल नहीं होता है। द हिंदी की संगीता रंडू ने लिखा, लेकिन अगर गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है। पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, मॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदम इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा, प्रोडक्शन डिजाइन विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे की जननी के ने लिखा, यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे यह आपके समय के लायक हो जाती है। इंडियन हेराल्ड के एक आलोचक ने फिल्म को लिखा, कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंता अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। एक्ट्रेस समंता साई ने तेलुगु तमिल बेलंगल फिल्म इन अक्टूबर 2021 डायरेक्टेड बाय द डुओ हरी शंकरन हरीश नारायण अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द श्रीदेवी मूवीज। द फिल्म टाइटल वॉज अनाउंस्ड एज यशोदा इन December 2021 आफ्टर डिस्कसिंग विथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सेंथिल। द फिल्म वॉज मेड ओनली इन तेलुगु विद सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग बाई एम सुकुमार एंड मोरथांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन December 2021 आफ्टर शूटिंग फॉर 100 days। फिल्मिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई July 2022 एक्सेप्ट फॉर द वन सॉन्ग। CGI वर्क एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बिगेन सबसेक्वेंटली। यशोदा वॉज इनिशियली शेड्यूल टू रिलीज ऑन 12 August 2022 कोइंसिडिंग विथ इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। It was postponed due to delays in filming on 17 October 2022.
The new release date was announced as 11th November 2022, where the film will be released in Telugu in addition to dubbed version of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam language. The film made a pre-release business of 55 crore, including theatrical digital streaming rights, which were sold at a cost of 11.50 crore and 20 crore respectively. The film was premiered on Amazon Prime Video on 9 December 2022 in Telugu along with dubbed versions of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam languages. The Telugu version was premiered on television on 5 February 2023 on ETV. Yashoda received mixed to positive reviews from critics and audiences. Nishita Nyayapati of the Times of India rated the film 3.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda is the film to catch this weekend if you are looking for something beyond the usual masala fare or love stories. Priyanka Sundar of First Post rated the film 2.75 out of 5 stars and wrote, Samantha is a brilliant in Yashoda that falters ineffectively, landing its shocking twist and turns. Manoj Kumar R of the Indian Express rated the film 2 out of 5 and wrote, Film's greenhouse treatment negates the impact of Samantha's performance, which has a lot of conviction. Soumya Rajendran of the News Minute rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda has quit a few loose ends as it drawn to a close, leaving the viewer dissatisfied. Sudhir Srinivasan of Cinema Express rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Fascinating idea don't translate into exciting storytelling in the Samantha lead actioner. Sangeeta Dundu of the Hindu wrote, But despite the missteps, it manages to be engaging. Arvind V of Pink Villa rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Mollywood actor Unni Mukundam is likely to become a shout after name in Telugu cinema after this. Hari Charan Pudipeddi of Hindustan Times wrote, The production design deserves a special mention since most of the story unfolds inside a large facility and the set work is commendable. Janani K of India Today wrote, Yashoda could have been much better had the director due concentrated on not stating the obvious. Srishti Negi of News 18 pata lagata hai to use pata chalta hai ki केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास है पेटेंट. अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे. उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना है पहले ही आ चुकी है. वासुदेव अपने टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है. यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई. उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है, लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सोरोगेट माताओं को दिखाया गया था. बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है, जहां वह साथी सोरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है संकाय. वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है. इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले. फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है. जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और
उसे भी मार देती है। फिर वह युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला धर पकड़ ली जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी। लेकिन गौतम ने एक दावा विकसित किए करके उनकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दावा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दावा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। भ्रूण में प्लाज्मा व गुप्त घटक है, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CIO और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मांद में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम द्वारा उसे खटखटाया जाता है, जो उसे वापस लाता है। और गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ा रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, यह पता चला कि है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है, जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है, और उसे पता चलता है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक सरोगेट माँ बन गई थी और उसे युवा के पास ले जाया गया था उसे ढूंढने के लिए। यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ यशोदा गुंडों को और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता।
मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण भी बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गई और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है, जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती है। बाद में गिरिधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यशोदा के रूप में समंता, डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी सावत कुमार मधुबाला के रूप में राव रमेश, केंद्रीय मंत्री गिरिधर के रूप में पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा, वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज, राजीव कुमार अनजान विदेश मंत्री बने, शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में, वामसी के रूप में मणिकांत दुनाका, पुलिस निरीक्षण विशेष टीम, केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरिया, दिव्य श्रीपदा लीला के रूप में तेजू के रूप में कल्पिका गणेश, काजल के रूप में प्रियंका शर्मा, वृंदा के रूप में प्रीति असरानी। यशोदा इज़ इन 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाई हरी हरीश। इट स्टार्स समंता इन द टाइटुलर रोल अलॉन्ग साइड उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी शरद कुमार, मुरली शर्मा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस्ड इन डिसम्बर 2021, एंडेड इन जुलाई 2022। द फिल्म स्कोर वॉज कम्पोज बाई मनी शर्मा, वाइल द सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वेर हैंडल्ड बाई एम सुकुमार एंड मार्थांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 11th नवंबर 2022। यशोदा रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट वॉज अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। यशोदा हु वर्क्स इन जोमैटो बिकम अ सरोगेट मदर एज शी नीड्स टू फंड हर सिस्टर सर्जरी। शी इज टेकन टू एवा, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सरोगेसी सेंटर ओन्ड बाई डॉक्टर मधुबाला। यशोदा बिफ्रेंड्स सम ऑफ द सरोगेट मदर एंड स्पेंड टाइम विद देम। ऑल ऑफ देम फाइंड आउट द ईच ऑफ देम इज पुअर एंड इन नीड ऑफ मनी। Meanwhile, the local police investigate the accident of business tycoon Shiva Reddy and his girlfriend Arushi. They deduce that it was a pre-planned murder, and the police appoint Vasudev, IPS, to lead the investigation. He learns that Arushi was a model and checks her emails, mails, and text messages. He learns that Arushi was advised by her friend not to promote a specific cosmetic brand as it contains a harmful chemical that are unknown to scientist Vasudev, and his team head to meet Arushi's friend but find that he was murdered 2 days ago. Vasudev retrieves a cosmetic sample from his house and finds a connection with the death of Olivia and a deceased Hollywood actress who was killed when she drank a drugged juice. When he checks into the owner of the cosmetic brand, he finds that the central minister Giridhar owned the patent. After an attack by unknown means, Vasudev learns that 122 model will be arriving in India in 6 months. He learns that one model, Elena, has already arrived. Vasudev, along with his team and police commissioner Balram, follow her to a forest, but they are caught to be the local tribals. Yashoda becomes suspicious of Eva, and she finds that her friend Kajal and Leela went missing after suffering from labor pains and undergoing surgery. To her shock, she learns that Eva is not situated in the city
but was actually shown to the surrogate mother using a live projector. Yashoda later sneaks into John's tomb, where she finds with Jenny, a fellow surrogate who is faking a pregnancy and is a member of the Eva faculty. She tries to kill Yashoda, but Yashoda manages to kill her. Afterward, Yashoda finds many boxes containing dead children and surrogate mother in the search rooms, in which she finds Kajal and Leela's body and that of Leela's child. Yashoda in the couch by the security guard under the command of a Madhubala. When the security guard tries to rape her, she finds the just him and kills him too. She then tries to enter Madhubala's cabin using Dr. Gautam's badge to find out more about Eva, but is caught by Madhubala. Madhubala reveals that she was suffering from a disease which resulted in her losing her beauty and causing aging. But Gautam helped her by developing a drug that cured her illness. However, the drug is only a temporary solution, with its effects lasting only 6 months. Giridhar, who turns out to be Madhubala's husband, tells her to invent a new drug by funding her research. Cut to the present. Madhubala and Gautam hold a meeting with their investors while showing the live footage of the meeting to Yashoda, who is being held captive in a separate room. The duo reveals that the plasma in the fetus is the secret ingredient used for the invasion of the drug, and they hire poor women to become surrogate mothers by paying them. After making them pregnant, inducing fake labor pains, and performing C-section, they remove the fetus, discreetly kill the woman, and retrieve the plasma. They finally created the drug and sold it to rich women, mostly models, CEOs, and actresses. They also revealed that Olivia had died due to the drug-drug interaction. They had Arushi and Shiva Reddy killed in the accident, as she learned that the cosmetic brand also contained the same drug and threatened them of leaking it. In the forest, Vasudev and his team learned that Balram is in cahoots with Madhubala and Gautam. Vasudev and his team are brought to a den to have them killed. At Eva, Vasudev finds that the facility is situated in a forest and manages to escape through the emergency exit, but is knocked by the Gautam, who bring her back. Gautam makes a video call to Balaram, who is holding Vasudev and his team at a gunpoint. However, Gautam is held at gunpoint by Yashoda. It is revealed that the Yashoda is actually a skilled IPS trainee undercover at Eva. Despite being the academy topper, she was forced to arrange money to join the police force. One day, Yashoda learns about her sister Brinda's disappearance and finds that she had become a surrogate mother to arrange the money for her and was taken to Eva in order to find her. Yashoda became a surrogate mother and planned everything from the start. A fight ensues where Yashoda defeats the goons and Gautam, but gets hit in the stomach, resulting in the death of her unborn baby. Meanwhile, Vasudev and his team defeat the tribals and kills Balaram. Yashoda meets up with her fellow surrogates and asks about Brinda, but doesn't get any information about her. Madhubala tries to escape in a helicopter, but Yashoda manages to stop her. Madhubala reveals that she was also pregnant, but sacrificed her fetus by aborting it to improve and develop her beauty, and the research the women get enriched upon learning about Madhubala's true face and her activities, and push her off the cliff, killing her. Gautam tries to escape but get caught by Vasudev and his team. Yashoda finds Brinda, who is a labor pain. The woman assists Yashoda in delivering Brinda's child. Afterward, Giridhar's involvement too in the scandal is exposed and he is arrested. Samantha as Yashoda, Unni Mukundam as Dr. Gautam, Varalakshmi Sarath Kumar as Madhubala, Rao Ramesh as Central Minister Giridhar,
मुरली शर्मा एस पुलिस कमिश्नर बलराम, संपत राज एस वसुदेव IPS, राजीव कुमार अनीजा एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, शत्रु एस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऋषि IPS, मणिकांत दुनाका एस वामसी पुलिस इंस्पेक्टर स्पेशल टीम, मधुरिका एज केयरटेकर सुधर्मा, दिव्या श्रीपाड़ा एज लीला, कल्पिका गणेश एज तेजू, प्रियंका शर्मा एज काजल, प्रीति असरानी एज बृंदा, क्रमश एम सुकुमार और मार्तट के वेंकटेश द्वारा छायांकन और संपादन के साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया। CGI कार्य को और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुई। यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 घोषित की गई, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। फिल्म ने रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। फिल्म का प्रीमियर 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियर 5 फरवरी 2023 को ETV पर टेलीविज़न पर किया गया था। यशोदा को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से परे कुछ तलाश रहे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता यशोदा में शानदार है, जो अपने चौंकाने वाले मोड को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा, फिल्म का ग्राइड हाउस ट्रीटमेंट समंता के प्रदर्शकों के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज़ मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार, रोमांचक कहानी में डबदिल नहीं होता है। द हिंदी की संगीता रंडू ने लिखा, लेकिन अगर गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है। पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, मॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदम इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा, प्रोडक्शन डिजाइन विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे की जननी के ने लिखा, यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे यह आपके समय के लायक हो जाती है। इंडियन हेराल्ड के एक आलोचक ने फिल्म को
लिखा, कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंता अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। एक्ट्रेस समंता साई ने तेलुगु तमिल बेलंगल फिल्म इन अक्टूबर 2021 डायरेक्टेड बाय द डुओ हरी शंकर एंड हरीश नारायण अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द श्रीदेवी मूवीज। द फिल्म्स टाइटल वाज अनाउंस्ड एज यशोदा इन डिसंबर 2021 आफ्टर डिस्कसिंग विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सेंथिल। द फिल्म वाज मेड ओनली इन तेलुगु विद सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग बाय एम सुकुमार एंड मोरथांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन दिसंबर 2021 आफ्टर शूटिंग फॉर 100 डेज। फिल्मिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई जुलाई 2022 एक्सेप्ट फॉर द वन सॉन्ग। CGI वर्क एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बिगेन सबसेक्वेंटली। यशोदा वॉज इनिशियली शेड्यूल टू रिलीज ऑन 12 August 2022 कोइंसिडिंग विथ इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। It was postponed due to delays in filming. On 17 October 2022, the new release date was announced as 11 November 2022, where the film will be released in Telugu in addition to dubbed version of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam language. The film made a pre-release business of 55 crore, including theatrical digital streaming rights, which were sold at a cost of 11.50 crore and 20 crore respectively. The film was premiered on Amazon Prime Video on 9 December 2022 in Telugu along with dubbed versions of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam languages. The Telugu version was premiered on television on 5 February 2023 on ETV. Yashoda received mixed to positive reviews from critics and audiences. Nishita Nayapati of the Times of India rated the film 3.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda is the film to catch this weekend if you are looking for something beyond the usual masala fare or love stories. Priyanka Sundar, her first post, rated the film 2.75 out of 5 stars and wrote, Samantha is a brilliant in Yashoda that falters ineffectively, landing its shocking twists and turns. Manoj Kumar R. of the Indian Express rated the film 2 out of 5 and wrote, Film's greenhouse treatment negates the impact of Samantha's performance, which has a lot of conviction. Soumya Rajendran of the News Minute rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda has quit a few loose ends as it drawn to a close, leaving the viewer dissatisfied. Sudhir Srinivasan of Cinema Express rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Fascinating idea don't translate into exciting storytelling in the Samantha lead actioner. Sangeeta Dundu of the Hindu wrote, but despite the missteps, it manages to be engaging. Arvind V. of Pink Villa rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Mollywood actor Unni Mukundam is likely to become a shout after name in Telugu cinema after this. Hari Charan Pudipeddi of Hindustan Times wrote, The production design deserves a special mention. जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है, क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई। उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है, लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सोरोगेट माताओं को दिखाया गया था। बाद में यशोदा जोन टू में घुस जाती है, जहां वह साथी सोरोगेट जेनी से लड़ती है, जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है संकाय। वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में, मृत बच्चों और
सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले। फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है। फिर वह युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला धरा पकड़ ली जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित किए करके उनकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। भ्रूण में प्लाज्मा व गुप्त घटक है, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CIO और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मांद में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम द्वारा उसे खटखटाया जाता है, जो उसे वापस लाता है। और गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ा रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, यह पता चला कि है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है, जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक सरोगेट माँ बन गई थी और उसे युवा के पास ले जाया गया था उसे ढूंढने के लिए। यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ यशोदा गुंडों को और गौतम को हरा देती है।
लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को निखराने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण भी बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गई और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है, जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती है। बाद में गिरिधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यशोदा के रूप में समंता, डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी सात कुमार मधुबाला के रूप में राव रमेश, केंद्रीय मंत्री गिरिधर के रूप में पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा, वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज, राजीव कुमार अनिजान विदेश मंत्री बने, शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में, वामसी के रूप में मणिकांत दुनाका, पुलिस निरीक्षण विशेष टीम, केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरिया, दिव्य श्रीपदा लीला के रूप में तेजू के रूप में कल्पिका गणेश, काजल के रूप में प्रियंका शर्मा, वृंदा के रूप में प्रीति असरानी। यशोदा इज़ इन 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाई हरी हरीश। इट स्टार्स समंता इन द टाइटुलर रोल अलॉन्ग साइड उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी शरद कुमार, मुरली शर्मा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस्ड इन डिसम्बर 2021, एंडेड इन जुलाई 2022। द फिल्म स्कोर वॉज कम्पोज बाई मनी शर्मा, वाइल द सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वेर हैंडल्ड बाई एम सुकुमार एंड मार्थांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 11th नवंबर 2022। यशोदा रिसीव्ड मिक्सड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट वॉज अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। यशोदा हु वर्क्स इन जोमैटो बिकम अ सरोगेट मदर एज शी नीड्स टू फंड हर सिस्टर सर्जरी। शी इज टेकन टू एवा, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सरोगेसी सेंटर ओन्ड बाई डॉक्टर मधुबाला। यशोदा बिफ्रेंड्स सम ऑफ द सरोगेट मदर एंड स्पेंड टाइम विद देम। ऑल ऑफ देम फाइंड आउट द ईच ऑफ देम इज पुअर एंड इन नीड ऑफ मनी। Meanwhile, the local police investigate the accident of business tycoon Shiva Reddy and his girlfriend Arushi. They deduce that it was a pre-planned murder, and the police appoint Vasudev, IPS, to lead the investigation. He learns that Arushi was a model and checks her emails, mails, and text messages. He learns that Arushi was advised by her friend not to promote a specific cosmetic brand as it contains a harmful chemical that are unknown to scientist Vasudev, and his team head to meet Arushi's friend but find that he was murdered 2 days ago. Vasudev retrieves a cosmetic sample from his house and finds a connection with the death of Olivia and a deceased Hollywood actress who was killed when she drank a drugged juice. When he checks into the owner of the cosmetic brand, he finds that the central minister Giridhar owned the patent. After an attack by unknown means, Vasudev learns that 122 model will be arriving in India in 6 months. He learns that one model, Elena, has already
arrived, Vasudev along with his team and police commissioner Balaram follow her to a forest, but they are caught to be the local tribals. Yashoda becomes suspicious of Eva and she finds that her friend Kajal and Leela went missing after suffering from labor pains and undergoing surgery. To her shock, she learns that Eva is not situated in the city but was actually shown to the surrogate mother using a live projector. Yashoda later sneaks into John's tomb where she finds with Jenny, a fellow surrogate who is faking a pregnancy and is a member of the Eva faculty. She tries to kill Yashoda, but Yashoda manages to kill her. Afterward, Yashoda finds many boxes containing dead children and surrogate mother in the search rooms, in which she finds Kajal and Leela's body and that of Leela's child. Yashoda is caught by the security guard under the command of a Madhubala. When the security guard tries to rape her, she finds against him and kills him too. She then tries to enter Madhubala's cabin using Dr. Gautam's badge to find out more about Eva, but is caught by Madhubala. Madhubala reveals that she was suffering from a disease which resulted in her losing her beauty and causing aging. But Gautam helped her by developing a drug that cured her illness. However, the drug is only a temporary solution, with its effects lasting only 6 months. Giridhar, who turns out to be Madhubala's husband, tells her to invent a new drug by funding her research. Cut to the present, Madhubala and Gautam hold a meeting with their investors while showing the live footage of the meeting to Yashoda, who is being held captive in a separate room. The duo reveals that the plasma in the fetus is the secret ingredient used for the invention of the drug, and they hire poor women to become surrogate mothers by paying them. After making them pregnant, inducing fake labor pains and performing C-section, they remove the fetus discreetly, kill the woman and retrieve the plasma. They finally created the drug and sold it to rich women, mostly models, CEOs and actresses. They also revealed that Olivia had died due to the drug interaction. They had Arushi and Shiva Reddy killed in the accident, as she learned that the cosmetic brand also contained the same drug and threatened them of leaking it. In the forest, Vasudev and his team learned that Balaram is in cahoots with Madhubala and Gautam. Vasudev and his team are brought to a den to have them killed. At Eva, Yashoda finds that the facility is situated in a forest and manages to escape through the emergency exit, but is knocked by the Gautam, who bring her back. Gautam makes a video call to Balaram, who is holding Vasudev and his team at a gunpoint. However, Gautam is held at gunpoint by Yashoda. It is revealed that the Yashoda is actually a skilled IPS trainee undercover at Eva. Despite being the academy topper, she was forced to arrange money to join the police force. One day, Yashoda learns about her sister Brinda's disappearance and finds that she had become a surrogate mother to arrange the money for her and was taken to Eva in order to find her. Yashoda became a surrogate mother and planned everything from the start. A fight ensues where Yashoda defeats the goons and Gautam, but gets hit in the stomach, resulting in the death of her unborn baby. Meanwhile, Vasudev and his team defeat the tribals and kills Balaram. Yashoda meets up with her fellow surrogates and asks about Brinda, but doesn't get any information about her. Madhubala tries to escape in a helicopter, but Yashoda manages to stop her. Madhubala reveals that she was also pregnant but sacrificed her fetus by aborting it to improve and develop her beauty, and the research the women get enriched upon learning about Madhubala's true face and her activity used and push her off the cliff.
killing her, Gautam tries to escape but get caught by Vasudev in his team. Yashoda finds Brinda, who is a labor pain. The woman assists Yashoda in delivering Brinda's child. Afterward, Giridhar's involvement too in the scandal is exposed and he is arrested. Samantha as Yashoda, Unni Mukundam as Dr. Gautam, Varalakshmi Sarath Kumar as Madhubala, Rao Ramesh as Central Minister Giridhar, Murali Sharma as Police Commissioner Balram, Sampat Raj as Vasudev IPS, Rajiv Kumar Aneja as External Affairs Minister, Satru as Police Investigation Officer, Rishi IPS, Manikant Dunaka as Vamsi Police Inspector, Special Team, Madhurika as Caretaker, Sudharma, Divya Sripada as Leela, Kalpika Ganesh as Teju, Priyanka Sharma as Kajal, Preeti Asrani as Brinda. Kramas M. Sukumar or Martad K. Venkatesh Dara Sayankan or Sampadan ke saath Mukhya Photography December 2021 mein shuru hui. 100 dino ki shooting ke baad A. K. Gaane ko chhod kar filmankan July 2022 tak pura ho gaya. CGI karya ko aur post production karya baad mein shuru hui. Yashoda shuru mein Swatantrata Divas aur Raksha Bandhan ke avsar par 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी. फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 घोषित की गई, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी. फिल्म ने रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे. फिल्म का प्रीमियर 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था. तेलुगु संस्करण का प्रीमियर 5 फरवरी 2023 को ईटीवी पर टेलीविज़न पर किया गया था. यशोदा को आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली. टाइम्स ऑफ इंडिया के निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से परे कुछ तलाश रहे हैं तो यशोदा इस सप्ताह हाथ देखने लायक फिल्म है. फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता यशोदा में शानदार है, जो अपने चौंकाने वाले मोड और मोड को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती है. द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा, फिल्म का ग्राइड हाउस ट्रीटमेंट समंता के प्रदर्शकों के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है. द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं. सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार, रोमांचक कहानी में डबदिल नहीं होता है. द हिंदी की संगीता रंडू ने लिखा, लेकिन अगर गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है. पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, मॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदम इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनने की संभावना है. हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा, प्रोडक्शन डिजाइन विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है. इंडिया टुडे की जननी के ने लिखा, यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी,
यदि निर्देशक जूरी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे यह आपके समय के लायक हो जाती है। इंडियन हेराल्ड के एक आलोचक ने फिल्म को लिखा, कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समानता अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। एक्ट्रेस समंता साइनी तेलुगु तमिल बेलंगल फिल्म इन अक्टूबर 2021, डायरेक्टेड बाय द डुओ हरी शंकरन हरीश नारायण अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द श्रीदेवी मूवीज। द फिल्म्स टाइटल वाज अनाउंस्ड एज यशोदा इन डिसेंबर 2021 आफ्टर डिस्कसिंग विथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सेंथिल। द फिल्म वाज मेड ओनली इन तेलुगु विथ सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग बाय एम सुकुमार एंड मोरथांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन डिसेंबर 2021 आफ्टर शूटिंग फॉर 100 डेज। फिल्मिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई जुलाई 2022 एक्सेप्ट फॉर द वन सॉन्ग। CGI वर्क एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बिगेन सब्सिक्वेंटली। यशोदा वॉज इनिशियली शेड्यूल टू रिलीज ऑन 12 अगस्त 2022, कोइंसिडिंग विथ इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू डिलेज इन फिल्मिंग। ऑन 17 अक्टूबर 2022, द न्यू रिलीज डेट वॉज अनाउंस्ड एज 11 नवंबर 2022, वेयर द फिल्म विल बी रिलीज इन तेलुगु इन एडिशन टू डब्ड वर्जन ऑफ तमिल, हिंदी, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज। द फिल्म मेड अ प्री रिलीज बिजनेस ऑफ 55 करोड़, including theatrical digital streaming rights, which were sold at a cost of 11.50 crore and 20 crore respectively. The film was premiered on Amazon Prime Video on 9 December 2022 and Telugu along with dubbed versions of Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam languages. The Telugu version was premiered on television on 5 February 2023 on ETV. Yashoda received mixed to positive reviews from critics and audiences. Nishita Nayapati of the Times of India rated the film 3.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda is the film to catch this weekend if you are looking for something beyond the usual masala fare or love stories. Priyanka Sundar of First Post rated the film 2.75 out of 5 stars and wrote, Samantha is a brilliant in Yashoda that falters ineffectively, landing its shocking twist and turns. Manoj Kumar R. of the Indian Express rated the film 2 out of 5 and wrote, film's greenhouse treatment negates the impact of Samantha's performance, which has a lot of conviction. Soumya Rajendran of the News Minute rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Yashoda has quit a few loose ends as it drawn to a close, leaving the viewer dissatisfied. Sudhir Srinivasan of Cinema Express rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, fascinating idea don't translate into exciting storytelling in the Samantha lead action. Or Sangeeta Dundu of the Hindu wrote, but despite the missteps, it manages to be engaging. Arvind V. of Pink Villa rated the film 2.5 out of 5 stars and wrote, Mollywood actor Unni Mukundam is likely to become a sought after name in Telugu cinema after this. Hari Charan Pudipeddi of Hindustan Times wrote, the production design deserves a special mention since most of the story unfolds inside a large facility and the set work is commendable. Janani K of India Today wrote, Yashoda could have been much better had the director due concentrated on not stating the obvious. Srishti Negi of News 18 gave 3 out of 5 stars and wrote, Yashoda requires patience and attention once you get through the first post. First half, the film holds your complete attention, making it worthy of your time. Good Abhinetri Olivia ki maut ke saath ek sambandh paate hain, jiski maut nasila जून पीने से होती थी।
जब नशीला जूस पीने से होती थी। जब वह कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास है पेटेंट। अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना है पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपने टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई। उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है, लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सोरोगेट माताओं को दिखाया गया था। बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है, जहां वह साथी सोरोगेट जेनी से लड़ती है, जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है संकाय। वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में, मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले। फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है। फिर वह ईवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला धरा पकड़ ली जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित किए करके उनकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। भ्रूण में प्लाज्मा व गुप्त घटक है, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CIO और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि
बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मांद में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम द्वारा उसे खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है। और गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ा रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, यह पता चला कि है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक सरोगेट माँ बन गई थी और उसे युवा के पास ले जाया गया था। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों को और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसके अजन्मे बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण भी बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गई और उसे चट्टान से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती है। बाद में गिरिधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यशोदा के रूप में समंता, डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी सावत कुमार मधुबाला के रूप में राव रमेश, केंद्रीय मंत्री गिरिधर के रूप में पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा, वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज, राजीव कुमार अनजान विदेश मंत्री बने, शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में, वामसी के रूप में मणिकांत दुनाका, पुलिस निरीक्षण विशेष टीम, केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरिया, दिव्य श्रीपदा लीला के रूप में तेजू के रूप में कल्पिका गणेश, काजल के रूप में प्रियंका शर्मा, वृंदा के रूप में प्रीति असरानी। यशोदा इज़ इन 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन डायरेक्टेड बाय हरी हरीश। इट स्टार्स समंता इन द टाइटुलर रोल अलॉन्ग साइड उन्नी मुकुंदम, वरलक्ष्मी शरद कुमार, मुरली शर्मा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस्ड इन डिसम्बर 2021, एंडेड इन जुलाई 2022। द फिल्म स्कोर वॉज कम्पोज बाई मनी शर्मा, वाइल द सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग वेर हैंडल्ड बाई एम सुकुमार एंड मार्थांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन
11th November 2022. Yashoda received mixed reviews from critics but was a success at the box office. Yashoda, who works in Zomato, become a surrogate mother as she needs to fund her sister's surgery. She is taken to Eva, a state of the art surrogacy center owned by Dr. Madhubala. Yashoda befriends some of the surrogate mother and spend time with them. All of them find out that each of them is poor and in need of money. Meanwhile, the local police investigate the accident of business tycoon Shiva Reddy and his girlfriend Arushi. They deduce that it was a pre-planned murder, and the police appoint Vasudev, IPS, to lead the investigation. He learns that Arushi was a model and checks her emails, mails and text messages. He learns that Arushi was advised by her friend not to promote a specific cosmetic brand as it contains a harmful chemical that are unknown to scientist Vasudev, and his team head to meet Arushi's friend but find that he was murdered 2 days ago. Vasudev retrieves a cosmetic sample from his house and finds a connection with the death of Olivia and a deceased Hollywood actress who was killed when she drank a drugged juice. When he checks into the owner of the cosmetic brand, he finds that the central minister Giridhar owned the patent. After an attack by unknown means, Vasudev learns that 122 model will be arriving in India in 6 months. He learns that one model, Elena, has already arrived. Vasudev, along with his team and police commissioner Balram, follow her to a forest, but they are caught to be the local tribals. Yashoda becomes suspicious of Eva, and she finds that her friend Kajal and Leela went missing after suffering from labor pains and undergoing surgery. To her shock, she learns that Eva is not situated in the city but was actually shown to the surrogate mother using a live projector. Yashoda later sneaks into John's tomb, where she finds with Jenny, a fellow surrogate who is faking her pregnancy and is a member of the Eva faculty. She tries to kill Yashoda, but Yashoda manages to kill her. Afterward, Yashoda finds many boxes containing dead children and surrogate mother in the search rooms, in which she finds Kajal and Leela's body and that of Leela's child. Yashoda in the couch by the security guard under the command of a Madhubala. When the security guard tries to rape her, she finds the just him and kills him too. She then tries to enter Madhubala's cabin using Dr. Gautam's badge to find out more about Eva, but is caught by Madhubala. Madhubala reveals that she was suffering from a disease which resulted in her losing her beauty and causing aging. But Gautam helped her by developing a drug that cured her illness. However, the drug is only a temporary solution, with its effects lasting only 6 months. Giridhar, who turns out to be Madhubala's husband, tells her to invent a new drug by funding her research. Cut to the present. Madhubala and Gautam hold a meeting with their investors while showing the live footage of the meeting to Yashoda, who is being held captive in a separate room. The duo reveals that the plasma in the fetus is the secret ingredient used for the invention of the drug, and they hire poor women to become surrogate mothers by paying them. After making them pregnant, inducing fake labor pains and performing C-section, they remove the fetus discreetly, kill the woman and retrieve the plasma. They finally created the drug and sold it to rich women, mostly models, CEOs and actresses. They also revealed that Olivia had died due to the drug interaction. They had Arushi and Shiva Reddy killed in the accident, as she learned that the cosmetic brand also contained the same drug and threatened them of leaking it. In the forest, Vasudev and his team learned that Balram is in cahoots with Madhubala and Gautam. Vasudev and his team are brought to a den to have them killed.
at Eva, Yasudev finds that the facility is situated in a forest and manages to escape through the emergency exit but is knocked by the Gautam, who brings her back. Gautam makes a video call to Balaram, who is holding Vasudev and his team at a gunpoint. However, Gautam's town is held at gunpoint by Yasoda. It is revealed that the Yasoda is actually a skilled IPS trainee undercover at Eva. Despite being the academy topper, she was forced to arrange money to join the police force. One day, Yasoda learns about her sister Brinda's disappearance and finds that she had become a surrogate mother to arrange the money for her and was taken to Eva in order to find her. Yasoda became a surrogate mother and planned everything from the start. A fight ensues where Yasoda defeats the goons and Gautam but gets hit in the stomach, resulting in the death of her unborn baby. Meanwhile, Vasudev and his team defeat the tribals and kills Balaram. Yasoda meets up with her fellow surrogates and asks about Brinda but doesn't get any information about her. Madhubala tries to escape in a helicopter but Yasoda manages to stop her. Madhubala reveals that she was also pregnant but sacrificed her fetus by aborting it to improve and develop her beauty, and the research the women get enraged upon learning about Madhubala's true face and her activities and push her off the cliff, killing her. Gautam tries to escape but get caught by Vasudev and his team. Yasoda finds Brinda, who is a labor pain. The woman assists Yasoda in delivering Brinda's child. Afterward, Giridhar's involvement too in the scandal is exposed and he is arrested. Samantha as Yasoda, Unni Mukundam as Dr. Gautam, Varalakshmi Sarath Kumar as Madhubala, Rao Ramesh as Central Minister Giridhar, Murli Sharma as Police Commissioner Balaram, Sampath Raj as Vasudev IPS, Rajiv Kumar Aneja as External Affairs Minister, Satru as Police Investigation Officer Rishi IPS, Manikant Dunaka as Vamsi Police Inspector Special Team, Madhurika as Caretaker Sudharma, Divya Sripada as Leela, Kalpika Ganesh as Teju, Priyanka Sharma as Kajal, Preeti Asrani as Brinda. Kramas M. Sukumar or Martad K. Venkatesh Dara Sayankan or Sampadan ke saath Mukhya Photography December 2021 mein शुरू हुई. 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया. CGI कार्य को और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुई. यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी. फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 घोषित की गई, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी. फिल्म ने रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे. फिल्म का प्रीमियर 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था. तेलुगु संस्करण का प्रीमियर 5 फरवरी 2023 को ईटीवी पर टेलीविज़न पर किया गया था. यशोदा को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएँ मिली. टाइम्स ऑफ इंडिया के निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से परे कुछ तलाश रहे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है. फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता यशोदा में शानदार है, जो अपने चौंकाने वाले मोड को प्रभावी ढंग से उतारने में
लड़खड़ाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा, फिल्म का ग्राइड हाउस ट्रीटमेंट समंथा के प्रदर्शकों के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज़ मिनट की सौम्या राजेंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार, रोमांचक कहानी में डबदिल नहीं होता है। द हिंदी की संगीता डंडू ने लिखा, लेकिन अगर गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है। पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, मॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदम इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा, प्रोडक्शन डिजाइन विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे की जननी के ने लिखा, यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे यह आपके समय के लायक हो जाती है। इंडियन हेराल्ड के एक आलोचक ने फिल्म को लिखा, कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंता अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। एक्ट्रेस समंता साई ने तेलुगु तमिल बेलंगल फिल्म इन अक्टूबर 2021, डायरेक्टेड बाय द डुओ हरी शंकर हरीश नारायण अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द श्रीदेवी मूवीज। द फिल्म्स टाइटल वाज अनाउंस्ड एज यशोदा इन डिसेंबर 2021 आफ्टर डिस्कसिंग विथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सेंथिल। द फिल्म वाज मेड ओनली इन तेलुगु विथ सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग बाय एम सुकुमार एंड मोरथांड के वेंकटेश रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन डिसेंबर 2021 आफ्टर शूटिंग फॉर 100 डेज। फिल्मिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई जुलाई 2022 एक्सेप्ट फॉर द वन सॉन्ग। CGI वर्क एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बिगेन सब्सिक्वेंटली। यशोदा वॉज इनिशियली शेड्यूल्ड टू रिलीज ऑन 12 अगस्त 2022, कोइंसिडिंग विथ इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू डिलेज इन फिल्मिंग ऑन 17 अक्टूबर 2022। द न्यू रिलीज डेट वॉज अनाउंस्ड एज 11 नवंबर 2022, वेयर द फिल्म विल बी रिलीज्ड इन तेलुगु इन एडिशन टू डब्ड वर्जन ऑफ तमिल, हिंदी, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज। द फिल्म मेड अ प्री रिलीज बिजनेस ऑफ 55 करोड़, इंक्लूडिंग थिएटिकल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, विच वर सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 11.50 करोड़ एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। द फिल्म वॉज प्रीमियरेड ऑन अमेजन प्राइम वीडियो ऑन 9 दिसंबर 2022 एंड तेलुगु अलॉन्ग विद डब्ड वर्जन्स ऑफ तमिल, हिंदी, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेजेस। द तेलुगु वर्जन वॉज प्रीमियरेड ऑन टेलीविजन ऑन 5 February 2023 एंड ईटीवी। यशोदा रिसीव्ड मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस। निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रेटेड द फिल्म 3.5 out of 5 stars एंड रोट, यशोदा इज द फिल्म टू कैच दिस वीकेंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बियॉन्ड द यूजुअल मसाला फेयर और लव स्टोरीज। प्रियंका सुंदर ऑफ फर्स्ट पोस्ट रेटेड द फिल्म 2.75 out of 5 stars एंड रोट, समंता इज अ ब्रिलियंट इन यशोदा दैट फाल्टर्स इन इफेक्टिवली लैंडिंग इट्स शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। मनोज कुमार आर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस रेटेड द फिल्म 2 out of 5 एंड रोट, फिल्म
ग्रीन हाउस ट्रीटमेंट निगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ समंता'स परफॉर्मेंस विच हैज़ लॉट ऑफ कन्विक्शन. सौम्या राजेंद्रन ऑफ द न्यूज मिनट रेटेड द फिल्म 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. रोट यशोदा हैज क्विट अ फ्यू लूज इन एज इट ड्रॉन टू अ क्लोज लिविंग द व्यूअर डिससेटिस्फाइड. सुधीर श्रीनिवासन ऑफ सिनेमा एक्सप्रेस रेटेड द फिल्म 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. रोट फैसिनेटिंग आइडिया डोंट ट्रांसलेट इंटू एक्साइटिंग स्टोरी टेलिंग इन द समंता लीड एक्शनर. संगीता डोंडू ऑफ द हिंदू रोट बट डिस्पाइट द मिसटेप्स इट मैनेजेस टू बी एंगेजिंग. अरविंद वी ऑफ पिंक विला रेटेड द फिल्म 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. रोट मॉलीवुड एक्टर उन्नी मुकुंदम इज लाइकली टू बिकम अ शाउट आफ्टर नेम इन तेलुगु सिनेमा आफ्टर दिस. हरिचरण पुडिपेड्डी ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रोट द प्रोडक्शन डिजाइन डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन सिंस मोस्ट ऑफ द स्टोरी अनफोल्ड्स इनसाइड अ लार्ज फैसिलिटी एंड द सेट वर्क इज कमेंडेबल. जननी के ऑफ इंडिया टुडे रोट यशोदा कूल्ड हैव बीन मच बेटर हैड द डायरेक्टर ड्यू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नॉट स्टेटिंग द ऑबियस. सृष्टि नेगी ऑफ न्यूज 18 गेव 3 out of 5 स्टार्स. ए रोट यशोदा रिक्वायर्स पेशेंट एंड अटेंशन वंस यू गेट थ्रू द फर्स्ट पोस्ट. फर्स्ट हाफ द फिल्म होल्ड्स योर कंप्लीट अटेंशन मेकिंग इट वर्थी ऑफ योर टाइम. उसकी हत्या कर दी गई थी. वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करती है और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री अलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं जिसकी मौत नासिला जून पीने से होती थी. जब नासिला जूस पीने से होती थी जब वह कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास है पेटेंट. अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे. उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना है पहले ही आ चुकी है. वासुदेव अपने टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करते हुए हैं लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है. यशोदा को ईवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे यह पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई. उसे यह जानकर झटका लगा कि ईवा शहर में नहीं है लेकिन वास्तव में उसे लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सोरोगेट माताओं को दिखाया गया था. बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है जहां वह साथी सोरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य है शंकाय. वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है. इसके बाद यशोदा को संपत्ति के बारे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव मिले. फिर यशोदा को मधुबाला की कमान के तहत सुरक्षा का गार्ड धारा पकड़ लिया जाता है. जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है. फिर वह ईवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला धरा पकड़ ली जाती है. मधुबाला ने खुलासा किया कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित किए करके उनकी मदद की
जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर जो मधुबाला का पति है उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। भ्रूण में प्लाज्मा व गुप्त घटक है जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दावा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CIO और अभिनेत्रियों थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उन्होंने उन्हें